हाय नमस्कार, विवेक गुप्ता और इस चैनल में आपका स्वागत है, जिसमें हम एजुकेशन और करियर प्लानिंग के बारे में बातें करते हैं। और स्पेशली आप सबका प्यार मिलता है MBBS इंडिया काउंसलिंग को लेके, जो भी शुरू होनी है, और अभी तो जिसे कहते हैं ना वो प्रिपरेशन चल रही है। और उसी के मद्देनज़र क्योंकि आज का बहुत अहम दिन है, शायद आज फैसला शाम तक आ जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का रिगार्डिंग नीट कंट्रोवर्सी। और मैं बार बार आप लोगों को समझाता हूँ कि काउंसलिंग डिले सुप्रीम कोर्ट की वजह से नहीं हो रहा है, वो बेसिकली वो जो नए कॉलेज खुलने की परमिशन को लेके इश्यूज हुए हैं और वो सब भी सॉल्ट हो रहे हैं, तो शायद दोनों चीज़ें इकट्ठी हो रही हैं। और आज या कल में फैसला भी आ जाएगा। और परसों जो मेरे पास खबर है फ्रॉम कॉलेजेस कि 25 तारीख को MCC प्लान कर रही है ब्रोशर लॉन्च करने की, तो सब कुछ पैरेलली चल रहा है, साथ साथ चल रहा है। आज बात करते हैं ताकि आप सबको जानकारी मिले। वैसे तो देखिए जो भी होना आज हो ही जाएगा, लेकिन जो नई चीज़ आ गई है जिसमें आप सबको ध्यान रखना है, तो पहले जब कल पूरा दिन चलता रहा, मैंने वीडियो आपको बनाया दिया था कि लंच टाइम तक क्या हुआ है, तो उसको मैं रिपीट नहीं करूँगा। आई थिंक ब्रॉडली जो पिटिशनर के काउंसलर से जो दोबारा पेपर चाहते हैं, जो पेपर लीक के बारे में बात कर रहे हैं, उन्होंने काफ़ी डिफरेंट तथ्य देने की कोशिश की, जिसको जज साहब ने नकार दिया कि भाई इस केस पे ये बातें मत करो कि सिस्टमेटिक, क्योंकि एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा था कि भाई वी नीड टू फाइंड कि क्या इस पेपर के दौरान सिस्टमेटिक लार्ज स्केल फेलियर हुआ है। तो मुझे लगता है कि उस शब्द को पकड़ के ना ये जो हुड्डा साहब थे वो कोशिश कर रहे थे सिस्टमेटिक फेलियर को बार बार शब्द को बुलाने की। बट आई थिंक सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया कि जब हम सिस्टमेटिक फेलियर की बात कर रहे थे इस केस में, तो हमारा मतलब ये था कि भाई सीधी सी बात है कि 23 लाख में से आप ये साबित कर सकते हो कि 23-25 हज़ार लोगों के पास गया है। आई थिंक वही सुप्रीम कोर्ट का बार बार का मुद्दा है कि अगर वही 500-1000-2000 लोगों के पास पेपर पहुंचा था, चाहे वो एक रात पहले निकला है चाहे वो सुबह निकला है, अगर वो लार्ज स्केल पे नहीं हुआ है, अगर वो उन तक पहुंचा है जो हमें नहीं पता, तो फिर पेपर दोबारा कराना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास एक कंट्रोल्ड है, आपको पता है कि यहाँ से यहाँ निकला, इन बच्चों को मिला और उनको पकड़ के हमने उनका पेपर या उनकी काउंसलिंग रद्द कर दी, देन इट इज़ फाइन, वी शुड नॉट बी बॉदरिंग 23 लाख बच्चे। पता नहीं क्यों काउंसलर्स ने यहाँ तक कहा कि जी पहले 1.25 लाख बच्चों का करा लो, क्वालिफाइड बच्चों का करा लो। आई थिंक वो बिल्कुल रबिश थॉट थी। होगा तो सबका होगा, ये कैसे हो सकता है कि सिर्फ क्वालिफाइड बच्चों का होगा या पहले 1.25 लाख बच्चों का। तो आई थिंक दोज रिक्वेस्ट वर ऑल्सो स्टूपिड इन माई ओपिनियन। तो अगर होगा तो सबका होगा, नहीं तो किसी का नहीं होगा। और जहाँ तक वो प्रोसेस चल रही थी लंच तक, तो ये था कि नहीं होने वाला बिल्कुल ही। उसके बाद आई थिंक 2-3 इंटरेस्टिंग चीज़ें आई। एक मिस्टर हेगड़े साहब आए जिन्होंने टेक्निकलिटी निकाल दी। अब वो NTA का ब्रोशर लेकर आ गए, क्योंकि हर साल देखिए JEE मेन हो गया या बाकी सब एग्ज़ाम्स हो गए, वो तो वैसे भी अक्रॉस डेज होती हैं, तो उसमें ना वो ये नहीं कहते कि देर वुड बी वन यूनिफॉर्म एग्ज़ाम, बिकॉज एग्ज़ाम्स आर डिफरेंट एंड दे नॉर्मलाइज। तो हेगड़े साहब ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट दे दिया कि सर NTA के ब्रोशर में लिखा हुआ है कि देर वुड बी वन कॉमन एग्ज़ाम, तो चूँकि 1563 वालों ने, जिसमें से 800 बच्चों ने दूसरा एग्ज़ाम दिया है, सो दैट लाइन इज़ गेटिंग डिस्टर्ब्ड कि देर वुड बी वन यूनिफॉर्म एग्ज़ाम। तो आई थिंक वो एक पॉइंट था जिसको हेगड़े जी ने प्रेजेंट करा है, और उसमें सुप्रीम कोर्ट सोच रहा होगा, उसको कुछ इमीडिएट रिएक्शन नहीं आया था, क्योंकि वो एक टेक्निकलिटी ढूंढ के ले आए कि आप फिर से एक एग्ज़ाम लीजिए जो सब लोग दें, क्योंकि ये एग्ज़ाम तो दो बार हो गया, तो दो डिफरेंट एग्ज़ाम हो गए। तो आई थिंक दैट वॉज समथिंग जिसने मेरी भी अटेंशन को कैच करा, एक टेक्निकलिटी है। हाँ, पर्सनली स्पीकिंग आई एम नॉट श्योर कि उस टेक्निकलिटी को सुप्रीम कोर्ट कितना होल्ड करेगा टू कंडक्ट सच अ लार्ज स्केल एग्ज़ाम, स्पेशली जैसा मैंने कहा कि अब जुलाई का एंड आने लग गया है, तो ये जानते हुए कि उसकी वजह से पूरा का पूरा सेशन डिले या डिस्टर्ब्ड हो जाएगा। आई थिंक फिर जो मैंने शॉर्ट्स में दिया था कि एक बहुत इंटरेस्टिंग पिटिशनर आई, जिसने वो जो फिजिक्स का क्वेश्चन था जिसमें दो ऑप्शंस क्रेडिट कर दी गई, उसके खिलाफ पटिशन डाल दी, और कि भाई नई NCERT में ये है, पुरानी में ये, एक्चुअली वो स्टूडेंट की तरफ से है जिसके 711 नंबर है, 720 में से फिलहाल वो बच्ची चाहती है कि या तो क्वेश्चन को उसने क्वेश्चन अटैम्प्ट ही नहीं करा था तभी उसके 711 हैं, एक अटैम्प्ट नहीं करा और एक उसका गलत हुआ है पूरे पेपर में, और फिर भी उसकी रैंक 300 है, बट शी वॉन्ट्स टू बी इन टॉप 100 सो दैट शी गेट्स मौलाना आज़ाद, आई गेस सो, एम्स तो मिलेगा नहीं। तो उसके लिए उन्होंने वो आर्ग्यूमेंट डाल दिया है कि भाई या तो क्वेश्चन को डिलीट करा जाए, 716 में से नंबर दिए जाएँ, या दो में से एक ऑप्शन क्रेडिट की जाए। उस बच्ची ने अपनी पूरी कैलकुलेशन कर रखी है कि ऐसा कुछ भी हो जाएगा तो उसकी रैंक 300 से बढ़ के 100-125 हो जाएगी, और शी कैन गेट इन टू इंडियाज़ टॉप 5 गवर्नमेंट कॉलेजेस। सरकारी बहुत अच्छा कॉलेज तो अभी भी मिल रहा है, लेकिन देखो यही मैं कहता हूँ, बच्चों बच्चों का फ़र्क। तो
किसी को 711 में भी चैन नहीं है, कोई 200 में भी खुश है। एनीवे तो वो इंटरेस्टिंग चीज़ हो गई, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने अब IIT दिल्ली के डायरेक्टर को कहा है कि भाई आप चेक कीजिए। मैं तो NTA के साथ भी एजुकेशनिस्ट थे, और ये भी हो सकता है देखिए कि IIT की टीम से भी यही जवाब आ जाए कि दोनों ही ठीक लग रहे हैं लैंग्वेज सुन के। और दोनों में से अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला कर दिया कि एक ही ऑप्शन को ठीक माना जाएगा, क्योंकि पहले भी ये हुआ था ना कि देखिए NTA ने आंसर की निकाली, लोगों ने जो चैलेंज करा, बहुत सारे बच्चों ने चैलेंज कर दिया, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि दोनों ही आंसर ठीक है, और तभी मार्क्स दे दिए गए। अब उस डिसीजन के खिलाफ ये चीज़ आ गई। आई थिंक दिस पर्टिकुलर थिंग वुड बी डिस्कस्ड अ लॉट टुडे, और ऐसा पक्का नहीं है कि वो पक्का हट ही जाएगा, लेकिन आई थिंक पूरे दिन में ना सबसे ज़्यादा जहाँ मुझे एक हेल्दी डिस्कशन दिखा, जिसमें मुझे जज भी बड़ा इन्वॉल्व लगे, क्योंकि बाकी सब तो ये था कि वो सुन रहे थे ठीक है भैया, क्योंकि इतने सारे पिटिशनर्स हैं, और देखिए हिंदुस्तान के जुडिशरी सिस्टम ऐसा है कि आप फाइल नहीं फेंक सकते ना, तो उन्होंने एक अच्छा ये काम किया था कि जितनी हाई कोर्ट्स में थी उनको बोला सब सुप्रीम कोर्ट में ले आओ, हम एक बारी फैसला कर देंगे। वो इसलिए कि पता चले सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने फैसला किया, फिर आप सुप्रीम कोर्ट आ रहे हो, डेढ़ दो महीने पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने स्टैंड लिया था, सो दैट दे कैन फिनिश ऑल द केसेस अराउंड नीट 2024 ASAP, ये उनका पर्पज़ था। तो उसी के मद्देनज़र आई थिंक ये सारे काम चल रहे हैं, और तभी ये भी कहा गया कि दोपहर तक आप ये ले आइए, ताकि तब तक बाकी सारी पिटीशन, सारी दलीलें सुन ली जाएं, इस क्वेश्चन की भी दलीलें दोनों तरफ से सुनी जाएंगी। और जो लोग कह रहे हैं कि भाई तारीख पे तारीख मिल रही है, आई थिंक सुप्रीम कोर्ट इज़ डूइंग अ वंडरफुल जॉब। देखिए लास्ट थर्सडे के बाद जो थर्सडे तक का डिले हुआ था, दैट वाज बिकॉज ऑफ वो जो छुट्टियाँ पड़ गई थी बीच में, फिर पिछले थर्सडे को दोनों लोगों ने अपना पक्ष प्रेजेंट करा, नई चीज़ आई सिटी सेंटर का डेटा डालो, क्योंकि ये पिटिशनर लॉयर्स ही मांगते हैं ना, दो दिन के अंदर NTA ने डाल दिया, वो सैटरडे तक डाल दिया ताकि संडे को लोगों ने सबने अपने एनालिसिस कर लिए, मंडे को कल कुछ था नहीं ऐसा खास अबाउट दैट डेटा, कुछ ऐसा निकला नहीं जो कि स्पेशल था, मतलब सिटी सेंटर डेटा से कुछ भी ऐसा खास नहीं निकला है, विच इज़ रियली एबनॉर्मल। और मैंने कल ही वीडियो में बताया था जो बेलागावी वाली गर्ल का केस है जो फेल हो गए 12th में, अब उसमें वो जज ने पूछा कि भाई क्या वो सेंटर में लार्ज स्केल पर धांधली हुई है कि सबके 700 आए हैं, सबके 600। देखिए इस बार 600 से ऊपर जब 80,000 बच्चे हैं, और आपको अक्रॉस इंडिया बांटोगे तो हर सेंटर में ही परफॉर्मेंस अच्छी है ना, तो कोई ऐसा सेंटर लेवल पे तो दिख नहीं रहा है। हाँ, अब एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के साथ कुछ हो गया हो, वही जो उसी उमर शीट बाद में चेंज कर दी गई हो, जो आधे घंटे का टाइम है, तो वो सब चीज़ें वही जज साहब कह रहे हैं कि भाई एक दो केस हैं, वो आप पकड़ पकड़ के साइड करते जाओ। तो डेटा वाली जो बात थी, जो जैसे मैंने कहा ना कि बिल्कुल इस लाइन में, जैसे पहले पूरी अपोजिशन शोर मचा रही थी इलेक्शन से पहले, इलेक्ट्रोल बॉन्ड, वो जब सामने आ गए तो कुछ खास हुआ ही नहीं, मुद्दा ख़त्म हो गया वंस फॉर लाइफ, क्योंकि वो बॉन्ड में तो सबको मिली थी चंदा, और ऐसा कुछ खास नहीं था कि पर्टिकुलर पार्टी को मिला था। ऐसे ही सब लोग शोर मचा रहे थे सिटी सेंटर डेटा निकालो, सिटी सेंटर डेटा, और एक्चुअली कुछ नहीं निकला है, सभी की परफॉर्मेंस अच्छी है, सीकर इज़ ऑलवेज टॉप इन प्रोपोर्शन, जो मैंने कल समझाया, क्योंकि वहाँ पर अच्छे और सीरियस बच्चे जाते हैं, और उनको बुलाने के लिए भी बहुत अच्छे इंसेंटिव दिए जाते हैं, फ्री एजुकेशन, फ्री स्टे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो मुद्दा भी ख़त्म हो गया। अब मेन मुद्दा है वो जो टेक्निकलिटी निकाली गई है हेगड़े साहब के द्वारा, और दूसरा ये जो क्वेश्चन का मुद्दा है, और जज साहब ने सबकी सुनी है, क्योंकि एज ए इंडियन जुडिशरी सिस्टम ये उनका फ़र्ज है, और इसलिए वो समय लग रहा है, लेकिन आई एम एक्चुअली वेरी हैप्पी एंड थैंकफुल कि वो बहुत टाइम दे रहे हैं। मतलब कल प्रैक्टिकली स्पीकिंग सुप्रीम कोर्ट दिन भर तो नीट ही सुन रहा था ना, खासकर जो उनके चीफ जस्टिस हैं, वैसे सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे बेंच होते हैं, क्योंकि तो सुबह 10 से लेकर शाम के 4 बजे तक सुप्रीम कोर्ट यही कर रहा था लंच टाइम के अलावा। और आज भी आई थिंक तभी उन्होंने बोला है कि नून तक IIT दिल्ली का फीडबैक आ जाए, तब तक वो बाकी सबका सुन रहे हैं, सबको बोला गया कि ईमेल डाल दो जो बच गए हैं, तो आज नहीं तो कल वो फाइनल फैसला भी सुना देंगे। तो MC सुप्रीम कोर्ट इज़ मूविंग वेरी फास्ट, कोई ऐसा नहीं है कि 3-3 महीने का टाइम दिया जा रहा है, डिले टैक्टिस है। मतलब देखो जी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 140 करोड़ का देश है, फिर भी एक नीट के पेपर के जितना वो समय फास्ट दे रहे हैं, इतनी फास्ट हेयरिंग मैंने तो जिंदगी में किसी और केस की होते देखी नहीं है। सो आई थिंक कि देर इज, ये हमें दिमाग में नहीं लाना चाहिए कि वो डिले टैक्टिस हो रही है, वो बहुत समय दे रहे हैं, लेकिन इतनी पिटीशंस हैं तो सबको सुनना पड़ेगा ना। सो 2 घंटे में कैसे फैसला दे दें, जब इतने सारे वो हुड्डा साहब या जो भी वकील थे, वो तो इन्हें चुप कराना पड़ रहा है, वरना रीनीट के पक्ष वालों के वकीलों को अगर खुला हाथ दे दें तो 4 दिन तक तो वही बोलते रहेंगे, तो वे 4 दिन तो लग ही जाएंगे ना। तो उन सब चीज़ों का ध्यान समझिए, पर्सपेक्टिव क्लियर रखिए लाइफ में अपना,
खामखा ब्लेम मत कीजिए दुनिया के हर इंसान को, ये मेरी सजेशन सबको रहती है। और फिर आज देखते हैं क्या होता है। आई थिंक क्वेश्चन वाला मैटर है, वो क्वेश्चन का आंसर भी प्रेजेंट किए गए कि वो दोनों एक्चुअली बहुत क्लोज हैं और वो मुद्दा ही उठाए खाली उस गर्ल की वजह से, वरना आई थिंक द एंटायर इंडिया वाज एनीवे वेरी हैप्पी। तो उसकी वजह से अगर वो फैसला हो भी गया तो फिर दोबारा से आपको नीट स्कोर कार्ड डाउनलोड करना पड़ेगा। पहले रिजल्ट दोबारा आएगा जैसे 30 जून को आया था, और फिर से 4 नंबर इस बार ऊपर नीचे हो जाएंगे जिनको उस क्वेश्चन में नंबर मिले हैं, तो उसकी वजह से रैंक्स और क्वालिफाइंग स्कोर फिर से ऊपर नीचे हो सकता है। ओके, तो यही है समरी, बाकी आज पता चल जाएगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर। ऐसे ही आपको इंसाइटफुल वीडियो सुनने हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, ताकि जो भी इस केस से जुड़े हुए लोग हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, उनके पास सही और सटीक जानकारी पहुँचती रहे। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।